हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हेयर। सो स्टूडेंट, आपने अजर्शन रीजन क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए होंगे, या आपने जो है वीडियो को या प्रीवियस वीडियो को भी अगर अच्छे से देखा होगा तो आई थिंक अब आपका इंटरेस्ट बन चुका होगा। आपके इंटरेस्ट को देखते हुए मैं नेक्स्ट जो है अभी अपनी वीडियोज को अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पर ही रखूंगी। तो उससे पहले अगर मैं आपको सपोर्ट करती हूँ तो प्लीज स्टूडेंट, मैं भी आपसे सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऑलराइट, सो अजम्पशन रीजन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब आपने देख लिया है कि अजम्पशन रीजन को कैसे सॉल्व करना है और कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ऑप्शन जो है फिट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगेन मतलब आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सारे ऑप्शन को एक बार आपको पहले रीड आउट जरूर करना है। ऑप्शन वन रहेगा आपका, बोथ अजर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर दैट मींस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑलराइट, देन बी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट, बी ऑप्शन में आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन अजर्शन की नहीं जाता। सी, ए ट्रू आर फॉल्स एंड द डी, ए फॉल्स आर ट्रू। तो ये फोर ऑप्शन के बेसिस पे हम अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, चैप्टर सेकंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, अजर्शन वन ओगोनियम प्रोड्यूसेस वन ओव्यूम एंड थ्री पॉलर बॉडीज। बिल्कुल, कि ओजेनेसिस में हमने देखा था, ओजेनेसिस प्रोसेस में जहां पे फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम होगा, और ओव्यूम जो है हमने पढ़ा है कि वो हमेशा कौन सी स्टेज में रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट स्टेज पे। ऑलराइट, और कौन से डे को, 14th डे को, तो 14th डे को हम ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी पीरियड कह देते हैं इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। रीजन क्या है, पॉलर बॉडीज हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, बिल्कुल, पॉलर बॉडीज में स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म है, लेकिन बेटा ये इसकी रीजन, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे रहने वाला है वो है बी, जिसमें अजर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अजर्शन कॉर्पस ल्यूटियम कंटेन ब्लड क्लॉट एंड फिब्रिन। बिल्कुल, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर ब्लड क्लॉट और फिब्रिन है, और कॉर्पस ल्यूटियम आपको ये भी पता हो कि किसका सोर्स है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है बेटा वो प्रोजेस्टेरोन नाम का हॉर्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। रीजन क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम। बिल्कुल भी नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम जो है जर्मिनल एपिथेलियम से नहीं बनता। ऑप्शन सी आपका जाएगा, जिसमें अजर्शन ट्रू है और रीजन जो है वो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अजर्शन कैपेसिटेशन इज द फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म आफ्टर विच इट इज एबल टू फर्टिलाइज ओव्यूम। बिल्कुल सही बात है। अब कैपेसिटेशन क्या है, जैसे ही स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि मैच्योर हो जाता है, जिसके बाद ये आसानी से ओव्यूम को फर्टिलाइज कर सकता है। रीजन क्या है, कैपेसिटेशन अकर्स इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। यस, ये अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो स्पर्म जैसे ही एक्टिवेट हो रहे हैं, एक्टिवेट कहाँ हो रहे हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। लेकिन गाइज यहाँ पे रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं बन रहा, तो ऑप्शन बी है आपका, अजर्शन रीजन ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जनरली अ वुमेन डज नॉट कंसीव ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। बिल्कुल, जनरली वर्ड यूज किया गया है, नॉर्मली कई बार हमें मतलब देखने को मिलता है कि लैक्टेशन, लैक्टेशन क्या है, व्हेन ए मदर फीड्स हर बेबी। तो जब मदर अपने बेबी को दूध पिला रही है, मतलब लैक्टेशन पीरियड जब तक रहेगा, जब तक कंसीव होने के चांसेस थोड़े कम है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वो क्यों, क्योंकि उस वक्त जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस होने की वजह से मदर कंसीव नहीं कर पाती। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो, ऐसा भी है कि लैक्टेशन भी होता रहे और क्या पता मदर ने कंसीव भी कर लिया। अगेन रीजन क्या है, हॉर्मोन प्रोलैक्टिन इनिशिएट्स एंड मेंटेन लैक्टेशन इन वुमेन। बिल्कुल, हॉर्मोन प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करता है कि मदर की बॉडी में इनिशिएट भी कर रहा है और मेंटेन भी कर रहा है लैक्टेशन को, ठीक है ना। तो जो फीडिंग मदर है या नर्सिंग मदर है वो
वो मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स तक भी लैक्टेटिंग है, क्योंकि वो अपने बेबी को फीड कर रही है। जब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा तो वो क्या कर रहा है, वो लंबे टाइम तक मिल्क सिक्रेशन को मेंटेन कर रहा है। दूसरा रीजन आप ये भी लगाएं कि जब तक बेबी सक करता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट होगा। इसका मतलब दोनों ही चीजें हैं, अगर मदर फीड करवा रही है, बेबी सक कर रहा है, प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है। प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो लैक्टेशन जो है उस हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है। मतलब लेकिन अब अभी देखा जाए बात क्या थी, हमने तो बात ये देखी थी कि लैक्टेशन पीरियड में मदर जो है या वुमेन जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो अगेन सेम ऑप्शन बी, रीजन भी ठीक है, अजर्शन भी ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे ठीक नहीं बन रही है, तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अजर्शन, ICSI। अब ये क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इट इज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसने ART हम कहते हैं। तो क्या है बेटा आपका, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक ART है, मतलब कि जिसमें इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मतलब डायरेक्ट एक मेथड है जो जो कि क्या इनफर्टाइल कपल्स को एक चांस प्रोवाइड करता है टू बिकम अ पेरेंट। रीजन, इन ICSI स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवियम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स इन ग्लास कंडीशन, इन ग्लास कंडीशन, तो ग्लास में क्या है, अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट एक स्पर्म को एक एग के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका ऑप्शन ए है, क्योंकि अजर्शन रीजन दोनों ही ट्रू जा रहे हैं, और ट्रू जा रहे हैं तो ठीक है, आपका रीजन जो है वो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अजर्शन, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल। कॉर्पस ल्यूटियम है क्या आखिर, जैसे ही एग सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में रिलीज होता है एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम, एंड इट इज द रिच सोर्स ऑफ फीमेल हॉर्मोन दैट इज द प्रोजेस्टिरोन दैट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी। ऑलराइट, एंड इफ प्रोजेस्टिरोन लेवल डिक्लाइन देन इट विल कोज मेंस्ट्रुएशन। कॉर्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम क्यों बोला है इसको, ल्यूटिन, ल्यूटिन क्या है, एक टाइप का येलो पिगमेंट है, येलो पिगमेंट है, और इसी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम को हम एक येलो ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, आफ्टर ओव्यूलेशन अ रप्चर्ड फॉलिकल टर्न्स इनटू अ येलोइश सॉलिड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉर्पस एल्बिगेंस। अभी मैंने ये वर्ड बताया तुम्हें, येलोइश किसके लिए यूज हो रहा है, ल्यूटियम के लिए, क्योंकि ल्यूटियम में कौन सा पिगमेंट है, ल्यूटिन, जो कौन से कलर का है, येलो। तो कॉर्पस ल्यूटियम को क्या कहा, येलो ग्लैंड। तो येलो ग्लैंड जब कॉर्पस ल्यूटियम को कह रहे हैं भाई, तो कॉर्पस एल्बिकेंस को थोड़ी ना हम एक येलो बॉडी कहेंगे, इसको हम एक व्हाइट मास, एक व्हाइट स्कार, एक व्हाइट निशान के जैसे कह देते हैं। जब आपका कॉर्पस ल्यूटियम भी रिग्रेट होना शुरू हो जाता है या वो बिल्कुल सिकुड़ना शुरू हो जाता है, तो एक रप्चर्ड मास जब रह गया वो आपका कॉर्पस एल्बिकेंस है, क्योंकि एल्बिकेंस का मतलब है एक व्हाइट स्कार। तो करो इसको रॉन्ग और ऑप्शन सी पर आओ, अजर्शन को ट्रू करिए, रीजन को फॉल्स कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, अजर्शन, मिडिल पीस इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, ठीक है, कि मिडिल पीस को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है, द न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया कॉइलिंग अराउंड एक्सियल फिलामेंट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभी आप ये समझिए क्या क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, आपका पावर हाउस कहलाता है। तो एक स्पर्म को स्विम मूव करने के लिए, लोकोमोट करने के लिए उसका टेल उसको हेल्प कर रहा है, और मिडल पीस किसका बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ठीक है, दोनों बातें आपकी सारी सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए अजर्शन, रीजन ट्रू और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 8, अजर्शन, द ह्यूमन मेल इजेकुलेट अबाउट 50 to 100 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग ए क्वाइटस। तो
तो जब कोइटस मतलब एक कोहैबिटेशन हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, उसके दौरान मेल जो है वो 50 to 100 million स्पर्म, यहाँ पे तो यही गलत हो गया, यही पोर्शन गलत हो गया, क्योंकि वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपने आप में। तो जब अजर्शन ही गलत हो गया, तो अजर्शन गलत हो गया तो आपको पता चल ही गया ऑप्शन डी सीधा सा। रीजन क्या है? फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 40% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। बिल्कुल, तो अजर्शन आपका यहाँ पे फॉल्स रहेगा और रीजन जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9, अजर्शन एलेंटॉइस ऑफ बर्ड एम्ब्रियो इज एनालोगस टू द किडनी ऑफ एडल्ट। बिल्कुल, एलेंटॉइस जो है वो क्या कर रहा है, एक टाइप से एक्सक्रीटरी फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा है। रीजन, बोथ एलेंटॉइस ऑफ बर्ड एंड किडनी आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। तो देखो बिल्कुल सही बात गई है, एलेंटॉइस एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा ए, जिसमें अजर्शन रीजन ट्रू और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में भी पढ़ते हैं, कॉरियन, एलेंटॉइस, योल्क सैक, एमनियोन, ये सारे आपको लेकिन सीक्वेंस वाइज करना है। अभी तो मैंने रेंडमली बोला है, खैर, लेकिन आप सीक्वेंस वाइज करें और वहां पे सभी के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, अजर्शन ए, इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑन यूट्रिन एंडोमेट्रियम। बिल्कुल, इम्प्लांटेशन क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑन 7th डे द ब्लास्टोसिस्ट इट एम्बेडेड इटसेल्फ इन द यूट्रस, दैट मीन्स द यूट्रिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो इम्प्लांटेशन कौन से डे को है? 7th डे को है। ऑलराइट, ये भी आपको बताओ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि जब आपका जो एक टाइप का जायगोट जो है या मोरूला स्टेज में जब वो है, तो वो यूट्रस के साथ अपने आप को एम्बेडेड करता है, अपने आप को धंसाता है उसके अंदर। रीजन क्या है? इम्प्लांटेशन इज कंट्रोल्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट एंड अकर्स बाय डेसिडुअल सेल रिएक्शन। बिल्कुल, ये भी सही है कि ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो लेकिन रीजन सही नहीं जा रहा, तो ऑप्शन बी रहेगा बेटा, जिसमें अजर्शन रीजन सब ट्रू, लेकिन जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फाइन, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी बेहतरीन अमेजिंग वीडियोस के लिए आप अपने कोटा साइंस हब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो स्मूथली चले और हमें अच्छे रिजल्ट्स जो है मिले। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।